फ्रेंड्स, वेलकम टू दी गार्डन ग्रो। मैं आपको गुड़हल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ। व्हाइट कलर का अपीयरेंस देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का अपीयरेंस यूजली गुड़हल की यंग बर्ड्स में होता है, और जिस किसी भी यंग ब्रांचेस में आपको व्हाइट कलर का अपीयरेंस मिलेगा, उसकी लीफ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। फ्रेंड्स, व्हाइट अपीयरेंस एक इंसेक्ट की वजह से होता है, जिसको मिली बग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक छोटा सा कीड़ा है और अभी ये चल भी रहा है। दोस्तों, ये मिली बग गुड़हल की यंग ब्रांचेज में सरवाइव करता है और उसके लीफ के अंदर का जो सैप है या कंटेंट है उसको सक करता है, उसको चूसता है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये एग को हैच करता है और उसमें से लार्वा निकलते हैं। इस ब्रांच में आप छोटे छोटे लार्वा को और एक डेवलपिंग यंग को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, लीव्स के अंदर के कंटेंट को चूसने की वजह से जितनी भी लीव्स होती हैं, यंग लीव्स, वो सारी की सारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये जो मेली बग का लार्वा अपनी बॉडी के ऊपर से सुगरी कंटेंट को सिक्रीट करता है, और इस सुगरी कंटेंट को खाने के लिए चींटियाँ अट्रैक्ट होती हैं, और जाने अनजाने में चींटियाँ इस इंसेक्ट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक ट्रांसफ़र कर देती हैं, और देखते ही देखते ये डिजीज़ पूरे प्लांट में हो जाती है और अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। ये तो हुई मिली बग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आइए, इसको दूर कैसे करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। मिली बग एक इंसेक्ट है, और इस इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें इंसेक्टीसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बेस्ट इंसेक्टीसाइड मिली बग को और उसके साथ साथ चींटियों को रिमूव करने के लिए जो रिकमेंड किया जाता है, वो है साइपरमेथ्रिन। यहाँ पर मेरे हाथ में आप अल्फा मेथ्रिन देख रहे हैं, 10% EC। अल्फा मेथ्रिन या साइपर मेथ्रिन आप मार्केट से ले लें, बट आपको याद रखना है कि इसके साथ किसी और केमिकल का कॉम्बिनेशन ना हो, प्योर साइपर मेथ्रिन या अल्फा मेथ्रिन हो। आधा लीटर पानी में आप साइपर मेथ्रिन की सिर्फ 3 ड्रॉप डालें, 1, 2 और 3। बॉटल को स्प्रेयर से बंद कर दें। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप 1 लीटर कंटेंट भी बना सकते हैं। 1 लीटर में आपको साइपरमेथ्रिन की 6 बूंद लेनी पड़ेगी। स्प्रेयर टाइट करने के बाद इसका जो नोजल है उसको थोड़ा सा लूज कर दें, लूज करके इतना एडजस्ट कर लें कि इसके अंदर से स्प्रे ना निकले बल्कि एक वाटर की हाई स्पीड की जेट निकले। इंसेक्टीसाइड को अप्लाई करने के पहले आप एक बार इसको अपसाइड डाउन कर लें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और चलिए अप्लाई करके देखते हैं। अब इस इंसेक्टीसाइड को अप्लाई करने के लिए इसकी हैंडल को आपको पूरी फोर्स के साथ दबाना है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें स्प्रे ना निकल के पतली जेट निकल रही है। आप उस ट्विक को पकड़िए जिसमें इस तरह का इन्फेक्शन है, और पूरी ताकत से इसको दबाइए। दबाने से एक तो हाई प्रेशर की वजह से जितने भी इंसेक्ट्स के एडल्ट हैं वो फौरन रन ऑफ हो जाएंगे, और जो लार्वा इसमें रह जाएंगे वो इस इंसेक्टीसाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से 1 या 2 दिन में मर जाएंगे। इस तरह से आपके पास जितने भी इन्फेक्टेड ब्रांच हैं सारी ब्रांच में आपको इस तरह से अप्लाई करना है इस साइपरमेथ्रिन के स्प्रे को। एक एक ब्रांच को आपको चूज करना है और इसको अप्लाई करना है, और जब आप इसको अप्लाई कर चुके हों इसके नोजल को आप थोड़ा सा टाइट करिए और इसको स्प्रे मोड में एडजस्ट कर लीजिए। चारों तरफ से इस प्लांट के ऊपर हम एक बार स्प्रे कर देंगे। आपको इस प्रैक्टिस को कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करनी है 1 हफ्ते के इंटरवल पे, और आप देखेंगे आपका पौधा कम्प्लीटली हेल्दी हो गया है। एक बात का और आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी भी प्लांट में इंसेक्टीसाइड का स्प्रे करने वाले हों तो उससे पहले उसमें ओवर वाटरिंग कर दें एक तरह से, ताकि जितने भी एक्सेस इंसेक्टीसाइड हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो पानी के साथ आसानी से बह जाएं। दोस्तों, आप इस मेथड को अप्लाई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।